अस्सलाम वालेकुम। हमने जो क्लास में कंडीशनल स्ट्रक्चर्स का टॉपिक किया था उसी को कंटिन्यू करते हुए हम एक प्रोग्राम करते हैं। प्रोग्राम क्या है? राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट्स टू नंबर्स फ्रॉम यूज़र एंड चेक इफ़ दे आर इक्वल। हमने यूज़र से क्या लेना है? दो नंबर्स लेने हैं और चेक करना है कि वो इक्वल हैं या के, और चेक क्या करना है कि वो इक्वल हैं। तो ये चीज़ हमारे पास आ गई। एक तो क्या आ गया कि इनपुट क्या है, हमारे पास दो नंबर हैं और चेक क्या करना है, इक्वल है। तो इसके लिए हमने पहला कंडीशनल स्ट्रक्चर जो पढ़ा था वो कौन सी थी? इफ़ स्टेटमेंट। तो यहाँ पे हमने इफ़ स्टेटमेंट यूज़ करनी है और ये क्या है, हमने दो नंबर इनपुट कराने हैं। तो ये हमारे पास किस तरह से है? इनपुट क्या है हमारे पास? दो नंबर, कोई भी दो नंबर हो सकते हैं, एन वन हो सकता है और क्या है, एन टू। नेक्स्ट है हमारे पास कि हमने चेक करना है कि इक्वल है। तो चेक करने के लिए हम इफ़ स्टेटमेंट यूज़ कर रहे हैं, जो हमारे पास इस केस में क्या हो सकती है, इफ़ एन वन इज इक्वल टू एन टू। तो इसी को हम जो है आप प्रोग्राम जब लिखेंगे तो किस तरह से करेंगे, इंट एन वन एन टू, सी आउट आ गया हमारे पास, एंटर टू नंबर्स और सी इन क्या आ गया हमारे पास, एन वन और एन टू। अब फर्दर क्या है हमारे पास, हमने चेक करनी है, इफ़ की स्टेटमेंट लिखेंगे, इफ़ एन वन इज इक्वल टू एन टू और यहाँ पे सी आउट करा देंगे। अगर ये ट्रू है तो तब हमारे पास प्रिंट क्या हो जाएगा, नंबर्स आर इक्वल। अब ये चीज़ थी हमारे पास किसके लिहाज से, इफ़ स्टेटमेंट के लिहाज से। इसी को देखें हम फर्दर करते हैं कि हम इफ़ एल्स के लिहाज से। अब हम कह रहे हैं कि इफ़ एल्स है तो हम अगर यही स्टेटमेंट बन जाती है, चेक इफ़ दे आर इक्वल और नॉट इक्वल। हमने चेक करना है कि वो इक्वल हैं या नहीं है इक्वल। एक स्टेटमेंट हमने इक्वल के लिहाज से प्रिंट करानी है और एक नॉट इक्वल के लिहाज से करानी है। तो अब हम इफ़ की बजाय यूज़ करेंगे इफ़ एल्स स्टेटमेंट। तो हमारे पास यही वाली चीज़ जो है वो किस तरह से बन जाएगी, इफ़ को चेक करेंगे एन वन इज़ इक्वल टू एन टू, अगर वो क्या हैं, नंबर्स आर इक्वल, नहीं तो हम एल्स कर देंगे, एल्स सी आउट कर देंगे, नंबर्स आर नॉट इक्वल। तो ये वाला प्रोग्राम जो है हमारे पास इस तरह से होगा। इसमें एक चीज़ नोट करें कि आपने इफ़ स्टेटमेंट के बाद जो है ये सेमी कॉलन नहीं लगाना। इसके अलावा जो है हमारे पास, अगर एक स्टेटमेंट है तो हम कर्ली ब्रेसेस नहीं लगा रहे, अगर एक से ज़्यादा स्टेटमेंट होगी इफ़ के अंदर तो हम कर्ली ब्रैकेट्स लगाएंगे। तो इसमें हमारे पास जो कंडीशनल स्ट्रक्चर है वो इसी तरह से सिंपल है। इफ़ के लिए सिंपल है कि हमारे पास कंडीशन है, ट्रू है तो स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो रही हैं। और दूसरे में क्या है, इफ़ एल्स में क्या है, अगर ट्रू है तो कुछ स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो रही हैं, अगर फॉल्स है तो कुछ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रही हैं। तो ये हमारे पास दो कंडीशनल स्ट्रक्चर आ गए, एक कौन सा आ गया इफ़ स्टेटमेंट और दूसरा कौन सा है इफ़ एल्स स्टेटमेंट।